बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। आपने तो फौरन सीरा लगा दिया, सीधे एटम बम पे आप चले गए। अभी छोटी मोटी मुठभेड़ तो होने थे, आप तो एटम बम। भाई उसके बारे में कुरान ने साफ कह दिया, फादुदु मिसला मातदा अलैकुम, दुश्मन जितनी ज्यादती तुम पे करे उतनी ज्यादती तुम्हें करने की इजाजत है। अगर इंडिया जो है वो एटम बम छोड़ता है और न्यूक्लियर वार करता है तो आपको जो है उसको काउंटर करने की बिल्कुल इजाजत है, आप बिल्कुल अपने न्यूक्लियर वार शुरू कर सकते हैं। ये तो दुश्मन पर है, लेकिन पहला कदम जो उठाना इसकी इजाजत नहीं होगी कि आप न्यूक्लियर वार स्टार्ट कर दें। हाँ ये कि अगर आपको यकीनी हकायक पता चल गए कि वो न्यूक्लियर वार करने वाले हैं या न्यूक्लियर बम छोड़ने वाले हैं, तो अगर आपके जासूसों ने आपको पहले इतना कर दी तो इकदामी, यानी ये भी दिफाई होगा लेकिन इकदामी तौर पर आप पहले अपना न्यूक्लियर छोड़ सकते हैं। इसकी इस्लाम में बिल्कुल शरण इजाजत है, इसमें कोई ममानत नहीं है।